एक ओर जहां देश प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग लगातार वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब्जी मंडी से, जहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में एक सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट की। बदमाशों ने सरेआम लाठी डंडों से सब्जी बेच रहे एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें सोहेल नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद नरेंद्र नाम के सिपाही ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों में से एक को मौके पर ही धर दबोचा और उसे थाना आदर्श नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल युवक सोहेल को प्राथमिक उपचार व डॉक्टरी जांच के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल भेजा गया। एक दुकान में छोटा बच्चा सब्जी बेच रहा था, तीन चार बंदे आए, उस बंदे को लठोई मारे थे। तो क्या वजह रही है इस प्रकार बीच मंडी में इस प्रकार लाठी डंडे से हमला किया है, क्या था ये? तो अभी हम उस बंदे को थाने में ले जाए, पता चलेगा भाई क्या बात थी, क्या झगड़ा था। कितने लोग थे जिन्होंने इसका हमला किया? ये हमला किया तीन चार बंदे थे, एक को मैंने पकड़ कर पुलिस थाने में भेज दिया है। उस जाकर उनको पता करेंगे भाई वो कौन कौन बंदे का नाम है, कहाँ कहाँ रहने वाले, क्या बात थी। ये बात है, घायल लड़का है वो इस टाइम कहाँ पर है? वो लड़का हमने हॉस्टल भेज दिया है, ये तो बल्लभगढ़ भेज दिया। ये लड़का मेरी दुकान पर सब्जी बेच रहा था, चार पाँच लड़के आए जिनके हाथों में छोटे डंडे ले रखे थे, आते ही उस लड़के को बाहर खींचा, खींचते के साथ उस पर हमला कर दिया, उसके सिर में पैरों में बहुत ज़्यादा चोट मारी। इतने ही भाई साहब आए नरेंद्र जी, ये उस लड़के के पीछे पीछे तक भागे, उनमें से एक लड़का भाई ने पकड़ लिया है, अब पुलिस के हवाले दे दिया है, अपने गाड़ी में बैठा के पीसीआर अब उनको थाने ले गई है, उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी रंजिश क्या है, पुरानी रंजिश, 13-14 साल का बच्चा है, इसकी क्या रंजिश होगी? और वो उन्होंने बयान पे हथियार भी थे तेज धार और उसके साथ में उन पर लठ भी थे, अभी ये अभी पता नहीं है किस बात पे हमला हुआ है। पता नहीं, मैं तो अपनी सौदा बिक रहा और आन के ना खामे खामे मारने लग गए अचानक। कोई आपकी पुरानी रंजिश से किस बात को? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आते ही आपको मारने, आते ही आप मुझको मारने लग गए। कितने लोग थे जिन्होंने आपका हमला किया? कम से कम तीन चार जने। तीन चार जने हाँ, के पैरों में लाठी और मारी है। क्या क्या चीज सामान था उनके पास? उनके पास डंडे वंडे, डंडे वगैरह थे। हाँ जी, आप इनको जानते हैं? मैं नहीं जानता। जिस तरह से बदमाशों ने सब्जी मंडी में सरेआम सब्जी विक्रेता पर हमला किया, बताता है कि बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। हालांकि इस घटना के दौरान सिपाही नरेंद्र ने जिस तरह से एक बदमाश को दबोचा है, काबिले तारीफ है। देखना होगा कि पकड़ा गया बदमाश पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासे करता है। पंजाब के सी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।